आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और इसकी इन्फॉर्मेटिव होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जी जनाब, आज हम बात करने लगे हैं यूके वर्क परमिट पर। माशाल्लाह, कई महीनों में यूके पे बड़ा काम किया, बहुत सारे लोग गए, हमारे वीज़े लगे और माशाल्लाह हम तो कोर्स 48 to 72 hours में निकाल लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो हमारे क्लाइंट्स को कंफ्यूजन में डालते हैं, या वो लोग जो इसका एक्सेस नहीं रखते हैं और फिर भी इस काम को करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो क्लाइंटों के केसेस को जो है वो लेकर ख़राब कर देते हैं। देखिए जी, बात की इब्तिदा हम यहाँ से करेंगे कि सबसे पहले कॉस जो होता है, जिसके मायने हैं सी फॉर कंफर्मेशन, ओ फॉर ऑफ और एस फॉर स्पॉन्सर, जो कि आपका यूके के होम ऑफिस से इशू होता है। आमतौर पे जो कि ना तजुर्बेकार होते हैं या जिनकी वहाँ पे वेल रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, तो वो आपसे शुरू में कुछ 500-600 pounds ले ज़रूर लेते हैं, लेकिन 2-3 हफ्ते के बावजूद भी आपका कॉस नहीं निकाल पाते। रीज़न ये है कि इसको जो इसकी मेन रीज़न है वो ये है कि आपकी वेल रिप्यूटेड और वेल ऑर्गेनाइज और वेल रजिस्टर्ड कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपका कॉस निकाल सके। अब हम सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग पे बात करेंगे कि बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो हमारे रिकमेंडेड जॉब्स पे जाना पसंद करते हैं, लेकिन उसमें होता यह है कि वो जॉब के साथ हम तो उन्हें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में £1.361 के एक्सचेंज पर है, तो इस वजह से पाकिस्तान में इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर हमारे क्लाइंट जो हैं वो कोशिश करते हैं कि उनकी बेसिक फ़ीस भी कम हो, उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी ना लगे और वो जाएं तो अपने साथ अपने बीवी बच्चे भी अगर साथ चले जाएं तो क्या ही मुज़ाहिका हो। आमतौर पे अगर बीवी बच्चे नहीं भी जा सकते हैं तो कम से कम उनका तो जो है वो कम फीस वाले में काम हो जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ वीडियो में तो कॉस्ट नहीं दिखा सकती, बट ये है कि आमतौर पे मैं लोगों को पर्सनली भी दिखाती हूँ, स्टेटस पे भी अक्सर लगे हुए होते हैं मेरे सारे कॉस्ट जो कि 48 to 72 hours में निकलते हैं। उसके बाद अगर आप अपना काम फास्ट ट्रैक पर कराना चाहते हैं तो एम्बेसी में आप 500 pounds जमा करवाएंगे और उसके बाद आपका जो है वो 10 दिन में वीज़ा आ जाता, नहीं तो नॉर्मली 20 to 30 days के अंदर आपका वीज़ा लग जाता है। कॉस पर ही पेमेंट हो जाती है, सवाल अक्सर ये पूछा जाता है। तो जनाब, वंस यू गेट द कॉस, जब आपका एक बार कॉस आ जाता है तो फिर वीज़ा रिजेक्शन यूके की होम ऑफिस से नहीं होता, बट 100 में 1% हम ये कह लेते हैं कि आपकी तरफ से, कि अगर हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो उसकी 3 बड़ी वजूहात होती हैं, जैसा कि मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ। एक बार फिर वंस अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर आपने वहाँ पे कोई उधार छोड़ा हुआ है स्टडी पे जाके और वो आपने पूरा नहीं किया है, या रिफ्यूज़ल जो आपका यूके में हुआ था उसमें आपने ख़ुद को कुछ और शो किया हुआ है, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाती हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न 100 में 1% ऐसे लोग होंगे जिनका वीज़ा रिजेक्ट होगा। अदरवाइज़ अगर होम ऑफिस से आपका कॉस आ गया है तो उसके बाद वीज़ा रिजेक्शन की बात नहीं रह जाती है, पूरी पेमेंट कॉस पर हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बेशुमार क्लाइंट मालाकंड से गए हैं, पेशावर से गए, केपी के से गए, पंजाब से गए, और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने जो है वो बड़ी सक्सेसफुली अपना जो है वीज़ा गेट भी किया और चले भी गए। अब बात आती है कि जी हमारे पास जो जॉब वीज़े होते हैं वो महंगे क्यों होते हैं। तो जी, जॉब वीज़े इसलिए महंगे होते हैं क्योंकि 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, अगर हम आपको 5 years का वीज़ा दे रहे हैं तो दैट मींस के 5 years के बाद तो आप वहाँ के नेशनल हो ही जाते हैं ना,
तो यहाँ तो बात ही ख़त्म हो गई कि हम आपको जो है उसके बाद कोई मज़ीद किसी आपको वहाँ की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, यानी ड्यूरिंग जॉब ही आप जो है वहाँ पे ये फैसिलिटेशन हासिल कर चुके होंगे। अब जाहिर सी बात है कि वन ईयर की फ़ीस अलग होती है, टू ईयर की फ़ीस अलग होगी, थ्री ईयर की फ़ीस अलग होगी और फाइव ईयर्स की फ़ीस अलग होती है। अच्छा, देन आपको जो जॉब मिल रही है उसकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो तकरीबन आपके पाकिस्तान में 2000 पाउंड से स्टार्टिंग होती है। अभी हमें जो अशद ज़रूरत है वो है हमारे जो है वो हमें नर्स की असिस्टेंट्स चाहिए जो नर्सिंग फील्ड की हो। एक बात यहाँ मेंशन कर दूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का शोबा गुज़िश्ता 8 माह पहले क्लोज कर चुके हैं और हेल्थ केयर के नाम पर लिए जाने वाले कॉज अभी तक इशू ही नहीं हुए हैं। बेशुमार पाकिस्तानी जो कि वहाँ पे 30-30 और 32-32 सालों से बैठे हुए हैं, खैर से उन सब ने भी हमसे रابطہ किया है कि प्लीज़ काइंडली आप हमारे लिए कॉज अरेंज कर दीजिए, बट वो नहीं निकाल सके क्योंकि उन्होंने ये फॉरेनर्स के लिए हेल्थ केयर का शोबा बंद कर दिया। अब जो रह जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो तनख्वाहें मिलती हैं वो स्किल्ड वर्कर में मिलती हैं, और ये पूरी दुनिया का कानून है, सिर्फ यूके का ही नहीं है, कि जो स्किल्ड वर्कर होते हैं उनको तनख्वाहें ज़्यादा मिलती हैं। अच्छा, हम यहाँ से जो लोगों को विदाउट जॉब भेजते हैं वो उनको ज़्यादा बेनिफिशियल इस तरह हो जाता है कि ऑफिशियली हमारे स्पॉन्सर के थ्रू उनको 20 घंटे काम करने की इजाज़त होती है, एंड देन उसके बाद भी अगर उनमें इतनी हिम्मत ताकत रहती है कि वो जो है मज़ीद काम करें तो भी उनको मतलब पैसे के मामलात में कैश पे ठीक है थोड़ी कम पेमेंट मिलती है लेकिन उनको काम आसानी से मिल जाता है।